हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास ट्वेल्थ जी हाँ सही सुना आपने किन्टर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड तो करना क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब जहाँ पर आपको सी बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं ई बुक्स एंड ई की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्टीन जिसका नाम क्या है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स उसका कौन सा टॉपिक वीजुलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मतलब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं थ्री डी शेप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू को कम्प्लीट किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर इस टॉपिक पर आना है ठीक है चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देखे रखा है हेयर आर सम एक्टिविटीज़ यू को ट्राई इन योर फ्री टाइम टू हेल्प यू विजुअलाइज़ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ देखे रखी है जो कि आपके फ्री टाइम में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो ताकि आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विजुअलाइज़ कर सको ठीक है आया समझ में इन एक्टिविटीज़ को आप घर पे बैठे परफॉर्म कर सकते हो एंड हाउ दे लुक और ये भी आप पता कर सकते हो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके कि जो सॉलिड शेप्स होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं ठीक है आया समझ में टेक सम क्यूब्स एंड अरेंज दैम एज शोन इन फिगर थर्टीन पॉइंट वन सिक्स बोला जा रहा है कि कुछ क्यूब्स लेने हैं एंड हमें इन तरीकों से अरेंज करना है उन क्यूब्स को ठीक है यहाँ पे हमें तीन फिगर देके रखे हुए हैं ऐसे ही हमें क्यूब्स लेने हैं एंड इस वे में अरेंज करने हैं ठीक है नाउ आस्क योर फ्रेंड टू गेस हाउ मेनी क्यूब्स देयर आर व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द व्यू शोन बाय द एरोमार्क बोला जा रहा है कि अब अभी आप ऐसा करोगे कि सबसे पहले तो क्यूब्स लोगे और इन इस वे में अरेंज कर दोगे तीनों तरीक़ों से अरेंज करोगे एंड देन फिर अपने फ्रेंड से पूछोगे कि बताइए कि इसमें कितने क्यूब्स यूज़ हो रहे हैं ठीक है ठीके? और कैसे विजुअलाइज करना है कैसे देखना है आप यहाँ पे एरो देख सकते हो मतलब फ्रंट से हमें देख कर पता करना है कि इन फिगर्स में कितने क्यूब्स का यूज़ हो रहा है ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर अगर हम देखें एक ये क्यूब हो गया एक ये क्यूब हो गया एक ये क्यूब और एक ये क्यूब तीन क्यूब तो दिख रहे हैं लेकिन आपको बैकवर्ड में भी एक ऐसे पोर्शन दिख रहा होगा तो मतलब देखने में अगर हम देखें तो हमें चार क्यूब्स दिख रहे हैं देखें सिर्फ तो हमें सिर्फ चार क्यूब्स दिख रहे हैं ठीक है और इस फिगर की बात करें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है इसमें जब हम इस फिगर को देख रहे हैं तो हमें फाइव क्यूब्स दिख रहे हैं ठीक है एंड यहाँ पर अगर हम बात करें वन टू थ्री फोर फाइव एंड एक पीछे वाला भी दिख रहा है सिक्स यहां पर देखने से हमें सिक्स क्यूब्स दिख रहे हैं ठीक है आया समझ में तो मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहां पर जब हम देख रहे हैं हमने एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो फोर क्यूब्स दिख रहे हैं यहां पर फाइव क्यूब्स एंड यहां पर यहां पर दिख रहे हैं हमें सिक्स क्यूब्स ठीक है इतना आया समझ में तो ये चीज़ हमसे बोली जा रही है अगर हमें देखने में सिक्स क्यूब्स फाइव क्यूब्स और फोर क्यूब्स नज़र आ रहे हैं तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे तो वो भी सेम यही आंसर देगा क्योंकि देखने में ही इतना ही समझ आ रहा है हमें ठीक है आया समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए ठीक है

दूसरा क्यूब तीसरा क्यूब चौथा क्यूब फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है यहाँ पर हमें ट्वेल्व क्यूब दिख रहे हैं यहाँ पर हम इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा एक एक क्यूब है ठीक है ऐसा मत समझना ऊपर के अलग है और ये अलग है फ्रंट में नहीं ये टॉप फेस है इसी क्यूब का टॉप फेस है और ये फ्रंट फेस है ठीक है है तो एक ही क्यूब है हमें क्यूब्स बताने हैं फेसेस नहीं बताने फेसेस बताने होते तो हम अलग अलग काउंट करते ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व क्यूब्स दिख रहे हैं देन उसके बाद थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन क्यूब दिख गए सेवनटीन एटीन नाइनटीन ठीक है हमें कितने क्यूब्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं विजुअलाइज करने पे हमें नाइनटीन क्यूब्स दिख रहे हैं ठीक है हम यहाँ पर इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी सेम यही बॉक्सेस हैं ठीक है आया समझ में कितने क्यूब्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 19 क्यूब्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ठीक है और बाकी आप सोचो भी इसे सबसे पहले तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितने क्यूब्स हैं ट्वेल्व क्यूब्स हैं ठीक है सिर्फ ऊपर टॉप की बात करें तो ट्वेल्व क्यूब्स हैं आप खुद सोचो अगर टॉप में ट्वेल्व क्यूब्स हैं तो नीचे भी तो ट्वेल्व क्यूब्स होंगे अगर यहाँ पे टॉप पे ट्वेल्व क्यूब्स है तो उसके नीचे भी सेम वैसे ही अरेंज किया गया है तो नीचे भी ट्वेल्व क्यूब्स होंगे तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेंटी फोर क्यूब्स कितने क्यूब्स हो जाएंगे यहाँ पे ट्वेंटी फोर क्यूब्स इसका मतलब क्या है देखने में हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ नाइन्टीन क्यूब्स है लेकिन जब हम इसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि ट्वेंटी फोर नहीं इसमें कितने क्यूब्स होंगे सॉरी नाइनटीन नहीं इसमें कितने क्यूब्स होंगे ट्वेंटी फोर क्यूब्स हो जाएंगे ठीक है और एक और तरीके से हम पता कर सकते हैं कैसे यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें कितनी दे के रखिए लेंथ फोर दे के रखिए ये क्या है ये लेंथ है ठीक है ये क्या है ये है ब्रेथ ब्रेथ की बात करें तो तीन ब्रेथ हमें दिख रही है और हाइट की बात करें तो हमें हाइट कितनी दिख रही है टू ठीक है और अगर हम इसमें लगा दें वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका वॉल्यूम लगा दें किसका फॉर्मूला लगा दें वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या रहता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ठीक है तो लेंथ कितनी है फोर ब्रेथ कितनी है थ्री और हाइट कितनी है टू तो फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड ट्वेल्व टू जो कितना हो जाएगा ट्वेल्व टू जो हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर हमारा क्या आ रहा है ट्वेंटी फोर ही आ रहा है ठीक है और जो भी यूनिट रहेगा सपोज सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हमारा आंसर ट्वेंटी फोर आ रहा है ठीक है लेकिन हाँ अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ नाइनटीन क्यूब्स दिख रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है एक्चुअल में कितने क्यूब्स हैं एक्चुअल में ट्वेंटी फोर क्यूब्स हैं ठीक है थीके? आया समझ में चलिए अब नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर को एनालाइज करके हमें क्या दिख रहा है वन टू दो क्यूब्स हो गए थ्री फोर फाइव फाइव क्यूब्स हो गए ठीक है एंड पीछे वाला एक क्यूब होगा सिक्स ठीक है आया समझ में ये वाला एरिया हम काउंट नहीं करेंगे ये वाला क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इसी क्यूब का ये एक फेस है ठीक है आया समझ में देन उसके बाद कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड यहां पर एक यहां पर भी आप देखोगे पीछे का एक क्यूब है इसको हम सेवन काउंट कर लेंगे ठीक है तो अगर हम फ्रंट से देखते हैं हमें कितने क्यूब दिख रहे हैं यहां पर हमें दिख रहे हैं यहां पर सेवन क्यूब्स कितने क्यूब्स दिख रहे हैं सेवन क्यूब्स लेकिन अगर हम एक्चुअल क्यूब्स की बात करें ना तो यहाँ पर एक्चुअल क्यूब्स कितने होंगे दो क्यूब यहाँ पर है ठीक है ये तो हमें दिख रहे हैं दो क्यूब के नीचे भी दो क्यूब होंगे ठीक है तो टोटल मिला के फोर क्यूब हो गए ये फ्रंट के क्यूब्स की बात करें ठीक तो है तो यहाँ पर तीन क्यूब है तो फोर क्यूब्स तो हमने अभी देखे देन उसके बाद फ्रंट में जो क्यूब्स लगे हैं वो हो गए थ्री तो एक आप देखोगे एक बैक का क्यूब भी है एक बैक का क्यूब हो गया तो फोर प्लस थ्री कितना हो रहा है सेवन सेवन प्लस वन कितना हो रहा है एट तो एक्चुअल में हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा एट क्यूब्स क्या आएगा आंसर एट क्यूब्स क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे जो क्यूब लगा होगा ना ये जो आपको क्यूब दिख रहा है ना इसके नीचे जो क्यूब लगा होगा वो हमें दिख नहीं रहा है बट ऐसा तो है नहीं नीचे वाला पोर्शन होगा ही नहीं नीचे भी तो क्यूब लगा ही होगा क्योंकि सॉलिड शेप है खाली तो होगा नहीं तो इसका मतलब क्या भले हमें दिख नहीं रहा लेकिन हम उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा अगर इसके नीचे ये एक क्यूब है तो इसके नीचे भी एक क्यूब रखा होगा जो कि हमें ऐसे देखने में समझ में नहीं आ रहा है ठीक है आया समझ में चलिए अब नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव क्यूब्स दिख रहे हैं एंड एक ये वाला क्यूब दिख रहा है पीछे का तो ये क्या हो गया सिक्स और एक ये फ्रंट का क्यूब दिख रहा है सेवन ठीक है एंड देन उसके बाद ये देखिए पीछे इसके नीचे एक और क्यूब लगा है, वो भी हमें दिख रहा है ये हो जाएगा एट ठीक है इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी का फेस है इसे भी काउंट नहीं करेंगे ये इसी का फेस है इसे भी काउंट नहीं करेंगे ये इसी का फेस है एंड इसे भी काउंट इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी का फेस है मतलब इस क्यूब के ही फेसेस दे के रखे हुए हैं ठीक है आए समझ में ये टॉप मोस्ट फेस को हमने काउंट कर लिया मतलब ऊपर से हमने काउंट कर लिए तो ये उसी का फ्रंट फेस दे के रखा हुआ है ठीक है तो अगर हम ध्यान से देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हमें कितने क्यूब्स समझ में आ रहे हैं यहाँ पे एट क्यूब्स हमें क्या समझ में आ रहा है देखने पे कि इस फिगर में एट क्यूब्स है ठीक है लेकिन हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक क्यूब है यहाँ पर एक क्यूब है ठीक है इन दोनों क्यूब के नीचे भी क्यूब्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर भी टू हो जाएंगे यहाँ पर भी टू हो जाएंगे ठीक है अगर यहाँ पर इसके नीचे ये क्यूब है तो इसके नीचे भी तो होगा जो हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है आया समझ में तो टू यहाँ पे टू यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे टू यहाँ पे टू यहाँ पे टोटल हो जाएंगे फोर क्यूब्स ठीक है फोर क्यूब्स की बात हो गई फिर एक यहाँ पे भी है हमें दिख रहा है फोर क्यूब हो होगा यहाँ पे देन ये यहाँ पे हो जाएगा एक और क्यूब ठीक है एंड यहाँ पर वन टू थ्री क्यूब्स तो हमें दिख ही रहे हैं ठीक है टोटल मिला के फिर से फोर हो गए वन टू थ्री फोर क्यूब्स फिर से हो गए ठीक है फिर अगर हम इसकी बात करें ये भी हमें दिख रहा है एक क्यूब ये हो गया ठीक है तो टोटल मिला के फोर प्लस फोर एट एट प्लस वन कितना हो गया नाइन तो यहाँ पर अगर हम एक्चुअल क्यूब्स क्यूब्स की बात करें तो हमें कितने क्यूब्स मिल जाएंगे नाइन क्यूब्स मिल जाएंगे ठीक है इसके नीचे जो क्यूब है वो हमें दिख नहीं रहा है इस फिगर में अगर हम देखें इसके नीचे भी एक और क्यूब होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा है ठीक है जो कि हिडन है तो हम अगर फिगर को एनालाइज़ कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि देखने में भले एट क्यूब्स नज़र आए लेकिन एक्चुअल में नाइन क्यूब्स होंगे ठीक है आगे समझ में आया है तो फटाफट -फड़ से नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें सच विजुअलाइज विजुअलाइजेशन इज़ वेरी हेल्पफुल क्या बोला जा रहा है ऐसे अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सपोज यू फॉर्म अ क्यूबॉइड बाई जॉइनिंग सच क्यूब्स अगर आप सपोज़ करो कि आप क्या कर रहे हो क्यूब्स का यूज़ करके क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हो यू विल बी एबल टू गैस वॉट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड वुड बी तो आप आसानी से क्या गैस कर सकते हो कि जिन क्यूब्स का यूज़ करके हम क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं ना, उस क्यूबॉयड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होगी ठीक है आया समझ में जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा कि आपने क्यूब्स का यूज़ करके क्या बनाया है ये पूरा क्यूबर्ड बनाया है तो आप आसानी से लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकाल पा रहे थे मैंने क्या बोला था लेंथ है फोर यूनिट एंड ब्रेथ क्या है थ्री यूनिट एंड हाइट क्या दे के रखी है टू यूनिट ठीक है आया समझ में तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बोली जा रही है आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है एनसीईआरटी एग्जांपल टू एग्जांपल क्या है इफ़ टू क्यूब्स ऑफ सेंटीमीटर बाय टू सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्या बोला जा रहा है अगर दो क्यूब्स दो क्यूब्स एक के बाद एक रखे गए हैं एक यहाँ पे क्यूब एक यहाँ पे क्यूब ठीक है और जिनके डायमेंशन टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर दे के रखिए हमें ये तो पता है क्यूब्स में सारे ही जो साइड्स रहते हैं साइड्स की लेंथ रहती है जिन्हें हम एजेस भी बोलते हैं वो क्या रहती है सेम रहती हैं तो वही चीज़ हमें दे के रखी है कि टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर अगर हम लेंथ की बात करें वो भी टू सेंटीमीटर है ब्रेथ की बात करें वो भी टू सेंटीमीटर और हाइट की बात करें तो वो भी टू सेंटीमीटर है ठीक है और दो क्यूब्स साइड बाय साइड रखे गए हैं आप इस फिगर में भी देखें सकते हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा जब हमने दो क्यूब्स यहां पे रख दिए एक साथ तो आप देख सकते हो कि ये पूरा जो फॉर्म हो रहा है फिगर, ये पूरा फिगर हमें का बनता हुआ दिख दिख रहा है ना? दिख रहा है है ना? बिल्कुल दिख रहा है तो हमसे बोला जा रहा है अब हमें क्या डायमेंशन मिलेंगे इस क्यूबॉइड के ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायमेंशन of the resulting cuboid क्या डायमेंशन रहेंगे अगर हम बात करें लेंथ की तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां पर यहाँ पर क्यूब दोनों साइड बाय साइड लगे हैं तो ज्वाइन होके ये भी टू सेंटीमीटर लेंथ है इसकी भी टू सेंटीमीटर लेंथ है तो ज्वाइन होके टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टू प्लस टू टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर सेंटीमीटर ठीक है आया समझ में फिर अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेथ आपको दिख रही है जिसकी लेंथ हमें कितनी दे के रखी है मतलब ब्रेथ कितनी है यहाँ पे ब्रेथ भी टू सेंटीमीटर और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी यहाँ पे नहीं बड़ी हाइट उतनी की ब्रेथ उतनी, भी उतनी की उतनी है हाइट आप देख सकते यहाँ पर टू सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहां पर हम हाइट लिख देंगे टू सेंटीमीटर तो डायमेंशन क्या मिल गए फोर सेंटीमीटर बाय फोर सॉरी फोर सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय टू सेंटीमीटर ठीक है ये हमें डायमेंशन मिल चुके हैं जिसमें लेंथ फोर सेंटीमीटर ब्रेथ टू सेंटीमीटर हाइट टू सेंटीमीटर है ठीक है आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देखिए रखा है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है ट्राइडीज का टू डाइज आर प्लेसड साइड बाई साइड एज शोन क्या बोला जा रहा है दो डाइज है डाइस आपको पता ही है ठीक है तो दो डाइज एक के बाद एक प्लेस करी गई ठीक है कैन यू से वॉट इज द टोटल वुड बी ऑन द फेस अपोजिट टू फाइव प्लस सिक्स क्या बोला जा रहा है ये हमें क्या बताना है कि अपोजिट फेस जो होगा जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर्स दे के रखे हैं नंबर्स का मतलब क्या है एक डाइस पर फाइव आया हुआ है दूसरे डाइस पर सिक्स आया हुआ है ठीक है एंड इनका क्या हो रहा है इनका हो रहा है टोटल तो हमसे पूछा जा रहा है कैन यू से वॉट इज़ द टोटल वुड बी ऑन द फेस अपोजिट टू अब इन दोनों इन दोनों जो फेस आए इन दोनों का अपोजिट फेस भी होगा तो अपोजिट फेस के हमें टोटल बताने हैं ठीक है थीके? आया समझ में सबसे पहले तो अगर हम डाइस की बात करें तो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी थी उसी एक्सरसाइज़ में मैंने आपको बताया था कि डाइस के जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम कितना आता है सेवन आता है अगर आपको डाइस में दिख रहा है वन तो उसके अपोजिट फेस पे आपको क्या दिखेगा सिक्स दिखेगा प्लस करोगे सेवन आएगा ठीक है अगर आपको डाइस पे दिख रहा है टू उसके अपोजिट फेस पे आपको क्या दिखेगा फाइव दिखेगा ऐड करोगे फिर से सेवन आएगा ठीक है अगर आपको डाइस पे दिख रहा है थ्री उसके अपोजिट फेस पे आपको दिखेगा फोर ऐड करोगे तब भी सेवन आएगा ठीक है आया समझ में ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि दो डाइस एक साथ रखी गई ठीक है आप देख सकते हो एक डाइस पे फाइव आया हुआ है दूसरे डाइस पे सिक्स आया हुआ है तो उनके अपोजिट साइड में क्या रहेगा अपोजिट फेस में अगर एक साइड फाइव है तो दूसरे साइड ऑब्वियसली क्या रहेगा टू रहेगा क्योंकि फाइव प्लस टू ऑटोमेटिकली सेवन हो जाएगा यहाँ पर मैंने आपको यही बताया था पेयर फाइव और टू का ही बनता है और एक डाइस पे अगर हमें सिक्स दिख रहा है तो दूसरे डाइस पे हमें क्या दिखेगा वन दिखेगा क्योंकि सिक्स प्लस वन कितना होगा अगेन सेवन होगा यहाँ पर मैंने वन और सिक्स का ही पेयर बताया था ठीक है तो जब हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा आंसर हमारा थ्री आ जाएगा ठीक है वही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि हमें क्या बताना है टोटल बताना है जो कि उनके अपोजिट फेसिस पे रहेगा ठीक है आए समझ में अपोजिट फेसेस का टोटल बताना है ऐसे अगर हम बी की बात करें हमें क्या दिख रहा है एक में बाई चांस ये जो है ये फेस पे हमें फ़ोर दिख रहा है एंड इस वाले डाइस के फेस पे हमें क्या दिख रहा है थ्री दिख रहा है तो इनके अगर हम अपोजिट फेस की बात करें तो फोर के अपोजिट फेस पे हमें क्या दिखेगा थ्री दिखेगा क्योंकि फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन होता है यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री एंड फोर का ही पेयर बनता है और दूसरे फेस पे अगर हमें थ्री दिख रहा है तो उसके अपोजिट फेस पे हमें क्या दिखेगा अगर दूसरे डाइस पे हमें थ्री दिख रहा है तो अपोजिट फेस पे हमें दिख जाएगा फोर ठीक है क्योंकि थ्री प्लस फोर अगेन सेवन होगा तो जब हम थ्री प्लस फोर कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है सेवन आ रहा है ठीक है टोटल पूछा गया तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया अब लास्ट में हमें एक हिंट दे के रखिए रिमेंबर दैट इन अ डाई सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेज सेवन जो कि मैंने आपको बताया डाई में क्या होता है जो नंबर्स रहते हैं अपोजिट फेसेस के उनको जब हम सम करते हैं ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है सेवन आता है बस इतनी सी चीज हमसे बोली जा रही है ठीक है आगे समझ में आया है तो फटाफट फट से नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है ट्राई दीज क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या है थ्री क्यूब्स ईच विथ टू सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड क्या बोला जा रहा है तीन क्यूब्स हैं ठीक है थीके? जिसकी एज मतलब साइड हमें क्या दे के रखी हुई है टू सेंटीमीटर दे के रखी हुई है बोला जा रहा है तीनों क्यूब्स साइड बाय साइड रखे गए हैं ठीक है थीके? एक साइड बाय साइड रखे गए हैं ठीक है टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ताकि तीनों क्यूब से क्या बन जाए क्यूबॉइड बन जाए ठीक है ट्राई टू मेक एन ऑब्लिक स्केच एंड से वॉट कुड बी इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या बनाना है ऑब्लिक स्केच बनाना है वो भी किसका जो कि हमें थ्री क्यूब्स यहाँ पर दे के रखा है उन्हीं का ऑब्लिक स्केच बनाना है एंड हमें बताना है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या रहेगी उस फिगर की उस क्यूबोइड की ठीक है आया समझ में लास्ट एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू में मैंने आपको ऑब्लिक स्केच आइसोमेट्रिक स्केच बनाना बहुत ही अच्छे से दिखा बताया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा ठीक है आ गया समझ में चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहला क्यूब हम बना लेते हैं मैंने क्या बताया था आपको कैसे बनता है पहले तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे क्यूब की बात हो रही है तो क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा ये क्या बना लिया हमने स्क्वायर बना लिया ठीक है फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया था स्टेप वन में पहला फेज बनाना है स्टेप टू में मैंने आपको क्या बताया था दूसरा फेज बनाना है जो कि ऑफ सेट होना चाहिए थोड़ा साइड में होना चाहिए ठीक है और वो जो दूसरा फेस होगा वो इस फेस का अपोजिट होगा ठीक है आया समझ में अपोजिट फेस हो जाएगा अब हमें क्या करना है अब हमें कॉर्नर्स को मैच कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया कॉर्नर्स को मैच कर लिया एंड हमें क्या दे के रखा था टू सेंटीमीटर एज दे के रखी हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू बॉक्सेस का यूज़ किया है यहाँ पर भी आप देख सकते हो टू बॉक्सेस का यूज़ किया यहाँ पर भी टू बॉक्सेस का यहाँ पर भी टू बॉक्सेस का ठीक है आया समझ में लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो ब्रेथ बोली गई थी मतलब हर साइड क्या होनी चाहिए टू सेंटीमीटर की होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखते हो जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम ब्रेथ बोलते हैं इसे अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये टू सेंटीमीटर की नहीं है क्वेश्चन में तो साफ साफ देखे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही क्या होंगी टू सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि क्यूब की सारी ही साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रेथ को एनालाइज़ करें वो टू सेंटीमीटर नहीं दिख रही है सिर्फ एक ही बॉक्स का यूज़ हो रहा है ऐसा क्यों क्योंकि मैंने आपको ऑब्लिक स्केच में अच्छे से बताया था कि मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आते हैं आइसोमेट्रिक स्केच में आपको प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाएंगे मतलब जो क्वेश्चन में देके रखा है मेजरमेंट exactly तो कन्फ्यूज नहीं होना टू सेंटीमीटर तो ही है ठीक है आया समझ में चलिए अब ये क्या बन गया ये एक क्यूब बन गया अब हम क्या बनाएंगे अब हम दूसरा क्यूब बनाएंगे ठीक है सेम ऐसे ही दूसरा क्यूब बनाएंगे सबसे पहले यहां पर हमने फिर से स्क्वायर बना लिया इसी से ज्वाइन करके बना रहे हैं हम अलग से नहीं बना रहे क्योंकि साइड बाय साइड बोला गया है कि साइड बाय साइड क्यूब को रख रहे हैं ठीक है फिर ऑफसेट करके थोड़े साइड में हम दूसरा 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 स्क्वायर बनाएंगे ठीक है ये हम दूसरा स्क्वायर बना रहे हैं अब हमें क्या करना है अब हमें ज्वाइन कर देना है ठीक है कॉर्नर्स को ये हम ज्वाइन कर रहे हैं ये हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड यहां से तो ज्वाइन ही है ठीक है आया समझ में देन उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे तीसरा क्यूब बनाएंगे वो भी स्क्वायर का यूज़ करके आपको पता ही है क्यूब में स्क्वायर का यूज़ होता है क्यूबॉइड में रेक्टेंगल का यूज़ होता है ठीक है देन उसके बाद दूसरा फेस बनाएंगे एंड अगेन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे ये हमने क्या किया कॉर्नर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ठीक है आप देख सकते हो तीनों क्यूब्स मैंने साइड बाय साइड बनाए हैं वो भी ऑब्लिक स्केच के थ्रू ठीक है लेकिन हमें क्या पता करना है हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता करनी है ठीक है आया समझ में तो अगर हम ऑब्लिक स्केच को देखें और लेंथ को फाइंड आउट करें आप देख पाओगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेंथ की बात करें तो सिक्स यूनिट्स का यूज हो रहा है ठीक है सिक्स बॉक्सेस का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है लेंथ हमें कितनी दिख रही है सिक्स सेंटीमीटर ठीक है फिर उसके बाद ब्रेथ की बात करें यहाँ पर अगर हम ब्रेथ को देखें ना ब्रेथ को देख के ये समझ में आ रहा है कि एक ही यूनिट का यूज हो रहा है मतलब वन सेंटीमीटर आना चाहिए लेकिन लेकिन हमें यहाँ पे टू सेंटीमीटर एज दे के रखी हुई है मतलब हर एक साइड टू सेंटीमीटर की है यहाँ पे ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आए लेंथ में आए हैं क्योंकि क्यूब को साइड बाय साइड हमने अरेंज करके रखा है लेकिन ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आएगा ना ही हाइट में आता है ठीक है इतना ध्यान रखना तो यहाँ पर अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितनी है टू सेंटीमीटर और हाइट की बात करें तो हाइट भी आप देख लोगे यहाँ पर टू यूनिट्स टू स्क्वायर का यूज हो रहा है तो हाइट भी कितनी होगी हाइट भी हो जाएगी टू सेंटीमीटर ठीक है इतना आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड दैन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज़ जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैगनेट ब्रेन को फॉलो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब थैंक यू सो मच